120 रुपए किलो। तो देखो हम भी ले रहे हैं 1.5 किलो का फल। यार मतलब क्या हो गया भाई यहाँ पे, ये देखो अरे बाप रे। वैसे कह रहे हो कि उत्तराखंड बचाओ और ये हालत जंगल को देखो, यहाँ पे सब। और देखो गर्मी इतनी हो रही है, भीमताल की लेक भी है जो सूखने लगी, सब रस निकल गया काफलों का। ये यार चलती चलती गाड़ी में आग लग। दोस्तों कैसे हैं आप? अभी हमने एक वीडियो एंड की है और दूसरी वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी आज हम हल्द्वानी के लिए जा रहे हैं, वो हम वीडियो वहीं तक रखी क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाती है ना, तो इसीलिए अभी हमारी तैयारी हो गई है। और अभी दिन के 2 बज रहे हैं, हमने ना सोचा था कि 10-11 बजे तक ब्राइड फ्री करके हमने क्या क्या सोचा था कि हम रानीखेत जाएंगे, कहीं नहीं हो पाया। कहीं नहीं हो पाया क्योंकि घर जा रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। हल्द्वानी पता नहीं टाइम से पहुंचेंगे कि मतलब रात हो जाएगी, क्योंकि हमने सोचा था कि 10-11 बजे तक फ्री हो जाएंगे हम, उसके बाद हम कहीं घूमने निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो देखो और यहाँ अभी आग नहीं थी और किसी ने यहाँ पे आग लगा दी। देखो ये हाल है आजकल लोगों का, और ऐसे जला रहे हैं अपने पहाड़ों को। ये है गाँव, और कल तो उधर सामने गाँव था ना कोई, तो मैं बताता हूँ वहाँ ना ऊपर घर नीचे घर और बीच में आग लग गई, इतनी भयानक आग ना, लोगों ने फिर वो रात को जाके बुझाई। हम देख रहे थे ना कल वहाँ पे बैठे, तो ऐसे देखो ऐसे जला रहे हैं लोग अपने पहाड़ों से। पेड़ हो रहे हैं काफल के, हाँ। जस्ट नीचे आग लग रही है। वो देखो वहाँ देखो ना, और कितने इधर काफल के पेड़ भी हैं वहाँ पे, देखो सब जल गए। देखो तो पता नहीं क्यों लोग ऐसा कर रहे हैं, बस समझ नहीं आ रहा लोगों की मेंटालिटी क्या है। तो चलो निकलते हैं फिर टाइम से, और रास्ते में बनाते जाएंगे वीडियो। तो ये हमारी वापसी हल्द्वानी को, और हमारी स्कूटी का इतना बुरा हाल है, चढ़ाई इतनी है ना 20 से 50 20 से 50 यानी अभी मेरे भाई ने अभी इसकी सर्विस कराई थी, पता नहीं क्या हो गया इसको, 20 से 50 डंडी हिल रही है। मुझे ये लगता है ना जब से मैं गई हूँ ना ससुराल, ये भी दुखी में दुख हो गया इसको भी, इसलिए सही से नहीं चल रही है, मुझे ऐसा लगता है। इसको ले जाऊँ क्या चंडीगढ़? नहीं बाजार में हम काफल ले रहे हैं, और देखो काफल बिच रहे हैं बाजार में, तो यहाँ मिल रहे हैं ये 120 रुपए किलो। तो देखो हम भी ले रहे हैं 1.5 किलो काफल, और आड़ू भी हैं। देखो ये देखो हल्द्वानी में कितने 400 रुपए किलो मिल रहे थे ना, देख लो। और यहाँ देखो फ्रेश काफल आ गए, हमने भी ले लिए 1.5 किलो। यार मतलब क्या हो गया भाई यहाँ पे, ये देखो आग, देखो ये देखो, ये इतनी खतरनाक आग लग रही है। मतलब यहाँ पे इतनी आग है ना कि अच्छा खासा इंसान तो फंस जाए यहाँ पे। ये देखो अरे बाप रे, पूरे जंगल जल गए यार। तो साथ साथ हम ब्लॉग बनाते बनाते जा रहे हैं, और यहाँ से जंगलों में देखो कितने प्यारे लगते हैं, और ड्राइव करना ना ऐसे जंगलों में मज़ा आता है एकदम। तो अगर आप जंगल जला दोगे तो ये खूबसूरत जंगल कहाँ रहेंगे। तो ऐसा देखो कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, और वहाँ से जब हम गुजर रहे थे ना तो भैया ऐसा लग रहा था ना कि भट्टी से निकल रहे हैं, पूरी नीचे भी आग, रोडों में आग, सब जगह। जो भी कर रहा भाई क्यों कर रहे हो ऐसा, क्यों जला रहे हो अपने खूबसूरत जंगलों को? वैसे कह रहे हो कि उत्तराखंड बचाओ और ये हाल है जंगलों को। देखो यहाँ पे सब आग लगी हुई है जंगलों में। ओ मेरे को पानी है मां, ओ ठंडी धार पानी। तो अभी चलते चलते हमें बहुत सारे गांव दिख रहे हैं, और यहाँ पे मैं एक चीज दिखाता हूँ, हमारे जो गढ़वाल में ना वो हमें जो गांव दिखते हैं वो बड़े बड़े गांव दिखते हैं, और जो घर है वो साथ साथ लगे दिखते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं जितने भी गांव देख रहा हूँ यहाँ से लगा लो आप, ये देखो घर अलग अलग हैं सबके, और जो परिवार है वो मतलब 15-20-25-40 इससे ज़्यादा नहीं है गांव बड़े। देखो ये गांव यहाँ से यहाँ तक है वो अलग है गाँव, और यहाँ पर भी एक गाँव है, देखो ये भी ऐसे, देखो सब घर अलग बने हुए हैं यहाँ, देखो सब ने अलग अलग बना रखे हैं, देखो मतलब जैसे है ना एक गुच्छे में नहीं है, जैसे एक साथ साथ, और छोटे छोटे गाँव हैं। और जहाँ हम गए थे वहाँ भी कितने बोल रहे थे वो 20-25 परिवार रहते हैं, तो मतलब अभी इस एरिया में जितने भी हम आ रहे हैं तो यहाँ पे जो परिवार हैं मतलब गांव वो इतने ही हैं, छोटे छोटे हैं, मतलब ज़्यादातर लगा रहा 40-50 तक ही होंगे, इतने परिवार हैं।
ऐसा कुछ है। मैं कहा मुझे दिख रहे हैं तो आपको बता दूं, तो पता नहीं दूसरी पट्टी में ज़्यादा होता है, लेकिन हम जिस रूट में जा रहे हैं इसमें ना छोटे छोटे गाँव ही हैं सारे, पर ठीक है, अच्छा है, छोटा है तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और आपको कैसा लगा फिर अपने एरिया में आके? किसको अच्छा नहीं लगता अपने एरिया में? हाँ, दूसरों के एरिया में नहीं लगता अच्छा, लेकिन अपने एरिया में सबको ही अच्छा लगता है। तो गर्मी बहुत हो रही है अभी दिन को ना, मतलब एक्टिवा चला रहे तो हवा चल रही है बढ़िया सी, क्योंकि अब सारे जंगल जल रहे हैं तो उससे जो ह्यूमिडिटी है वो बढ़ रही है, ऐसा हो रहा है। तो लेकिन कल रात को इतनी ठंड हो रही थी ना, सुबह शाम तो बहुत ज्यादा ठंड है, रात को हम क्या रजाई लेके सोए थे, इतनी ठंड लग रही थी रात को। दिन में तो धूप है ना। हाँ, थोड़ा दिन में है। तो चलो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं सफर में। तो अभी हम पहुंचे हैं भीमताल में, और देखो गर्मी इतनी हो रही है, भीमताल की लेक भी है जो सूखने लग गई है। देखो यहाँ से यहाँ तक पानी होता था ऊपर तक इधर तक, बट ये धीरे धीरे करके देखो सब सूखने लग गया है। और सबसे बड़ी लेक है ये भीमताल लेक की, देखो वहाँ बहुत गहरी है बीच में, बट यहाँ देखो सब सूख गया। वहाँ देखो कुत्ते जा रखे हैं, इधर यहाँ तक पानी होता था, यहाँ तक पूरा ऊपर। अब देखो जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही वैसे वैसे भीमताल की लेक ये सब सूख रही है। वहाँ पे देखो बोटिंग हो रही है, वहाँ पे गाड़ी ने ऐसा कर दिया ना ओवरटेक करने में। गाड़ी वाला कैसे चला रहा है यार, देखो तू जरा इसे ओवरटेक कर। ये देखो ओवरटेक पे ओवरटेक ना, पत्नी से है ना ये आदमी, मतलब ओवरटेक पे ओवरटेक कर रहा है, ठीक है, दो एक गाड़ी इधर से एक गाड़ी इधर से, और जबरदस्ती कर रहा है। ऐसे से लोग भी हो जाते हैं यार। छी तो जी भी हम रुके हुए थोड़ा पकौड़े वगैरह खाने के, काफी थक गए थे चलते चलते। तो ये देखो हमने अभी पकौड़े ऑर्डर किए, यहाँ छोले खा रहे हैं। कितना रह गया है सल्दानी? आधा घंटा, 20 किलोमीटर यहाँ पे, यहाँ पे बैठा था। लोकेशन देखो ऐसे, नीचे देखो कितना सही लग रहा है, सामने देखो वो होटल कहाँ पे बना हुआ है ना। हाँ ऐसे लग रहा है गिर जाएगा। देखो ये भी ऐसे बना हुआ, दूर से ऐसे दिख रहा होगा। तो उधर वो वाले रोड पे जाना हमें नीचे हल्द्वानी को। चलो खाते हैं। गाड़ी में पूरी आग लग गई है यार, चलती चलती गाड़ी में आग लग गई है। सब सरप्राइज, कौन सा सरप्राइज जी? हेलो अंशु, फूफा जी आ गए। अंशु दिव्यांशी कैसी है? चलो 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 चलो, दरवाजा खोल। हेलो हेलो आगे, हेलो प्रणाम। आते दोनों काफल खाने, कैसे हो रहे काफल? अच्छे हो रहे ना? है हाँ, तो ये काफल लिखे काफलों को देखो क्या बाप रे, सब रस निकल गया काफलों का। अभी ये देखो ऐसे करो, अभी ये जूस पियो इनका, ठीक है, जूस पियो। कितना भारी है ना, जूस पियो जूस। ओहो सब जूस निकल गया काफलों का, देख लो एक घंटे 5 घंटों में ऐसे हो गए। हो रहे गर्मी बहुत थी ना, वाह गल गए सारे। महंगा है तो कम से कम, वैसे ठीक है। फ्रिज में रखो सही है। हाँ थोड़ी देर फ्रिज में रखना ठंडा करने। तो काफ़ी थक गए हम, और मैं अभी बाल के ताजे आ जा रहा हूँ। दिवैन से बनाते हैं, फूफा जी की याद नहीं है तुझे? झूठ बोल रही है। तुम मिली भी मेरे से? अपनी बुआ से मिली बस। मिली तो मेरे से रहम दे, कहाँ मिली तो बता, कब मिली? सिर्फ अपनी बुआ से मिली।
कोई बात नहीं थी, मैं कट्टी से कहाँ मिली तुम्हें से, मिली तुम्हें से फिर क्यों नहीं मिली? मैं तेरे काफल लाया, आम लाया। आंसो क्या क्या फिर क्या क्या बोला तुम्हारे टीचर ने पेरेंट्स टीचर मीटिंग में? कुछ नहीं बोला? शिकायत नहीं की तेरी मम्मी ने तेरे तुम मोबाइल चलाते रहते हो? नहीं की है? किसने करी? मैम ने करी इसकी। इसकी करी मैम ने? क्या शिकायत की इसकी है बता, क्या शिकायत की है? होमवर्क नहीं करता? नहीं करता। क्या बोला था फिर? क्या बोला था? चोर से बोल। क्या क्या शिकायत की इसकी? बोलता नहीं है। बोलता नहीं है ये? अच्छा हाँ, बोलता नहीं तो बोलता रहता। तो अभी चलो मैं भी थक गया, काफ़ी नहाते हैं, गर्मी बहुत है यार। वहाँ हम रजाई लेके सो रहे थे, यहाँ गर्मी देख रहे हो है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ। वहाँ तो रजाई लेके सो रहे थे, अंकू भी आ गया कान, इसको भी गर्मी लग रही है। हाँ लू सच्चे में बहुत ज़्यादा गर्मी है। चलो नहाते हैं पहले। तो अभी हम नहा धो के खाना खुना खा रहे, और बस अभी घर आया था तो नेट ऑन किया था, कमेंट वगैरह पढ़ रहा था सबके। तो श्रीनगर से हमारे सब्सक्राइबर ज्योति रावत और उनकी लड़की है अंजलि रावत, तो हेलो आप दोनों को। तो उन्होंने कमेंट आया था कि मेरा नाम ज़रूर ले लेना। अभी बस जस्ट अभी आया था घर तो नेट ऑन किया तो सबके कमेंट पर रीड कर रहा था, और वो जो पेड़ था तो उसको कहते हैं खजूरी बोलते हैं, ईजा बोलती है, लेकिन उसमें खजूर नहीं होते, लेकिन क्या पता उसका नाम ही खजूर का पेड़ हो, खजूर जैसा दिखता है ना। लेकिन वहाँ जहाँ हम गए ना, जिस गांव में वो थाफल बोल रहे थे, थाकल बोल रहे थे उस पेड़ को, हर जगह अलग अलग बोलते हैं ना। हाँ हर अलग अलग ही बोलते हैं। तो चलो जी खाना खुना खाते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोग वीडियोस देखते हो तो आप लोग ऐसे ही कमेंट करते रहा कीजिए। तो चलो खाना खाते हैं। तो चलो दोस्तों अभी हमने खाना खुना खा लिया है और काफ़ी थक गए हैं सफ़र से, काफ़ी लंबा सफ़र था और थक गया कसम, एक्टिवा में बड़ी बुरी हालत हो जाती है। तो चलो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक कमेंट और अपने दोस्तों जरूर शेयर करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक जय देवभूमि जय भारत जय, तो टिल द एंड बाय।